हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है एशियन खेल। एशियन खेल के इतिहास के बारे में आज मैं फुल डिटेल में बताने वाली हूँ। दोस्तों, इससे पहले मैं ओलंपिक खेल के बारे में, हर एक टॉपिक के बारे में फुल डिटेल में बता चुकी हूँ। प्राचीन ओलंपिक खेल, आधुनिक ओलंपिक खेल, ओलंपिक मशाल, ओलंपिक चिन्ह, ओलंपिक शुभंकर, ओलंपिक मोटो, इन सब के बारे में फुल डिटेल में बता चुकी हूँ। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सब वीडियो को जरूर देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक एशियन खेल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा खेल उत्सव ओलंपिक खेल होता है। उसी प्रकार एशियन खेल जो है एशिया में सबसे बड़ा खेल उत्सव है। एशियन गेम भी हर एक 4 वर्ष के अंतराल पर खेला जाता है। दोस्तों, एशियन खेल को शुरू करने में, यानी इसको शुरू करने में अहम भूमिका जो थी वो प्रोफेसर जी डी सोंधी की थी, यानी फादर ऑफ एशियाड किसे कहा जाता है? प्रोफेसर जी डी सोंधी को। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फादर ऑफ एशियाड किसे कहा जाता है? प्रोफेसर जी डी सोंधी को। यानी क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि एशियन खेल को शुरू करने में सबसे अहम भूमिका किसकी थी? तो प्रोफेसर जी डी सोंधी को, ठीक है ना। और इस एशियन खेल का नाम एशियन खेल किसने रखा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका नामकरण किया। इससे पहले इसको एशियाटिक गेम्स के नाम से जाना जाता था, तो जवाहरलाल नेहरू ने इसको एशियाटिक न रखकर एशियन गेम्स रखा। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि एशियन खेल का नामकरण, एशियन खेल किसने रखा? था पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। और एशियन खेल का उद्देश्य यानी आदर्श वाक्य क्या है? हमेशा आगे की ओर। क्या है आदर्श वाक्य? हमेशा आगे की ओर, ठीक है ना। इस प्रकार प्रथम एशियाड यानी प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन 4 मार्च 1951 नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में हुआ। तो इस पॉइंट को जरूर याद रखिए, हमेशा किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एशियन खेल का, प्रथम एशियन खेल का आयोजन कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो 4 मार्च 1951 नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में, ठीक है ना। और एशियन खेल का प्रतीक चिन्ह क्या है? उगता हुआ पूर्ण सूर्य, ठीक है। क्या है? उगता हुआ पूर्ण सूर्य 11 छल्लों के साथ। जैसा कि ओलंपिक झंडे में 5 छल्ले होते हैं, उसी प्रकार एशियन खेल के झंडे में 11 छल्ले होते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बनता है कि एशियन खेल के झंडे में कितने छल्ले होते हैं? तो 11 छल्ले होते हैं। प्रतीक चिन्ह क्या है? उगता हुआ पूर्ण सूर्य। तो 1951 में इसका प्रथम बार आयोजन हुआ नई दिल्ली नेशनल स्टेडियम में। फिर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक जो है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में सर्वाधिक 4 बार एशियन खेल का आयोजन हुआ है, वो भी किस किस सन में? 1966 में, 70 में, 73 में, 98 में, 4 बार सर्वाधिक। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि एशियन गेम सर्वाधिक बार किस, कहाँ पे आयोजन हुआ है? तो बैंकॉक में, थाईलैंड की राजधानी में, ठीक है ना। और एशियन गेम्स में मिल्खा सिंह का आपने नाम तो सुना ही होगा, पर 1958 में तीसरे एशियाई खेलों में, ठीक है ना, 1958 में तीसरे एशियाई खेलों में मिल्खा सिंह ने 400 मीटर में गोल्ड जीता, ठीक है ना। मिल्खा सिंह में किस में गोल्ड जीता? 400 मीटर में गोल्ड जीता 1958 में तीसरे एशियाई खेलों में, ठीक है ना। इसको विशेष रूप से ध्यान रखिए, कई भी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मिल्खा सिंह ने किस एशियन खेल में गोल्ड जीता था और किसने कितने मीटर रेस में? तो 1958 के तीसरे एशियाई खेलों में 400 मीटर रेस में, ठीक है ना। फिर 1958 में मिल्खा सिंह 400 मीटर में एशियन खेल में गोल्ड जीतने के बाद 1960 के रोम इटली ओलंपिक में मिल्खा सिंह ने 400 मीटर दौड़ में 45.60 सेकेंड में 4th स्थान प्राप्त किया 1960 के रोम इटली के ओलंपिक में, ठीक है ना। और इन्होंने राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ गेम में भी 440 यार्ड दौड़ में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। नेक्स्ट है, प्रथम एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय धावक था, वह कौन था? लेवी पिंटो, जो 100-200 मीटर में स्वर्ण पदक अर्जित किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, प्रथम एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय धावक कौन था?
तो लेवी पिंटो था, 100 200 मीटर में स्वर्ण पदक जीता था। प्रथम एशियाई खेल कब हुआ था? 1951 में नई दिल्ली में नेशनल स्टेडियम में, ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, एशियाई खेलों में 16 वर्षों तक लंबी कूद में भारतीय एथलीट योहानन ने कीर्तिमान स्थापित किया। योहानन ऐसी एथलीट थी, ठीक ना, योहानन ऐसा एथलीट था जो एशियाई खेलों में 16 वर्षों तक लंबी कूद में भाग लिया, ठीक है ना, और अपना कीर्तिमान स्थापित किया। नेक्स्ट है, एशियाई खेल के कार्यकारिणी परिषद को, यानी एशियाई खेल के कार्य को संचालित करने वाले, सभी कार्यों को अंजाम देने वाले कार्यकारी परिषद को क्या कहते हैं? OCA, यानी ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। जैसे ओलंपिक खेलों को संचालित करने वाला IOC होता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी होता है, उसी प्रकार एशियाई खेलों को संचालन करने वाला, कार्यों को देखरेख करने वाला परिषद को क्या कहते हैं? OCA, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया कहा जाता है। इसका मुख्यालय जो है कुवैत के शहर हवाली में है, जबकि IOC का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने स्विट्जरलैंड में। जबकि OCA, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का मुख्यालय कहाँ है? कुवैत के शहर हवाली में, ठीक है। इसका गठन कब हुआ था? OCA का, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का गठन कब हुआ था? 1982 में, ठीक है। अब वर्तमान अध्यक्ष, दोस्तों आप लोग को ढूंढ के कमेंट बॉक्स से बताइए कि OCA का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। इसके पहले तो अध्यक्ष जो थे वो शेख अहमद अल फहद अल सबाह थे। अब वर्तमान अध्यक्ष आप खोज के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब हम बात करेंगे एशियाड के शुभंकर, मुख्य मुख्य शुभंकर जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उनको मैंने यहाँ पे रखा है। जैसे कि 1951 प्रथम एशियाई खेल का शुभंकर जो था नई दिल्ली का, वो जंतर मंतर था। 1982 नई दिल्ली में फिर दोबारा हुआ था, तो नई दिल्ली में 2 बार एशियाई खेल संपन्न हो चुका है। एक 1951 प्रथम एशियाई खेल जिसका शुभंकर जंतर मंतर था, फिर 1982 में, यानी नवा एशियाई खेल, नवा एशियाई खेल नई दिल्ली में फिर से संपन्न हुआ नई दिल्ली में, जिसका शुभंकर था अप्पू हाथी, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है 1986 दसवां एशियाई खेल जो सियोल में संपन्न हुआ था, इसका शुभंकर जो है वो होदोरी बाघ बाघ है, ठीक है, शेर का बच्चा, ठीक। दोस्तों ओलंपिक खेलों में आपने ध्यान दिया होगा, 1988 के सियोल ओलंपिक और 1986 के सियोल एशियाई खेल, दोनों का शुभंकर जो है हुदोरी बाघ ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट है 1994, ठीक है ना, 1994 12वां एशियाई खेल कहाँ पे संपन्न हुआ था? हिरोशिमा जापान में। इसका शुभंकर जो है नर पोपो एवं मादा कुक्कू था, ठीक ना। नेक्स्ट है 1998 बैंकॉक, 1998 13वां एशियाड खेल बैंकॉक का शुभंकर क्या था? चाई यू, ठीक है ना, चाई यू। नेक्स्ट है 2002, 2002 14वां एशियाई खेल बुसान दक्षिण कोरिया में हुआ था, उसका शुभंकर क्या था? दूरिया, ठीक है, दूरिया। नेक्स्ट है सबसे इम्पोर्टेंट, ये पूछा जा सकता है दोस्तों, पहला और नेक्स्ट लास्ट वाला, पहला जो नई दिल्ली जंतर मंतर था 1951 में, और अंतिम है जो संपन्न हुआ है 2018 में। 2018 में कौन सा एशियाई खेल संपन्न हुआ है? 18वां एशियाई खेल, ठीक है ना। 2018 में कौन सा एशियाई खेल संपन्न हुआ था? 18वां एशियाई खेल कहाँ पे? इंडोनेशिया के जकार्ता एवं पालेमबांग में। कहाँ पे? इंडोनेशिया के जकार्ता एवं पालेमबांग में, ठीक है, जिसका शुभंकर था भिन भिन काका अतुंग। भिन भिन यहाँ एक पक्षी से लिया गया है, भिन भिन का मतलब एक चिड़िया है, काका एक गैंडा से लिया गया है, इसका मतलब एक गैंडा है, और अतुंग का हीरो का प्रतीक है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट
2022 का जो एशियाड गेम्स है वह हांग झोउ चीन में संपन्न होगा। 2022 का एशियाई खेल कहाँ संपन्न होगा? हांग झोउ चीन में। इससे पहले 2018 के पहले 17वां एशियाई खेल 2014 कहाँ संपन्न हुआ था? इंचियोन दक्षिण कोरिया। तो जस्ट जो हुआ है उससे एक पहले, एक जो आगे भविष्य में होने वाला है, इन तीनों को और प्रथम, ये चारों को जरूर ध्यान में रखिएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है हर एक एग्जाम के लिए, इन्हीं से क्वेश्चन अधिकतर बनाए जाते हैं। तो दोस्तों ये था एशियन गेम्स के बारे में फुल डिटेल में। दोस्तों एशियन गेम्स से हिस्ट्री से यदि कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछता है तो इससे बाहर नहीं पूछेगा। दोस्तों यदि आपके मन में फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी टॉपिक के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं उसका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए फुल पूरी प्रयास करूंगी। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए जिससे आपके माध्यम से उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो आगे पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए जिससे जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।